बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। बहुत सिंपल है, इतनी सारी चीजें इतना सिंपल कैसे हो सकता है? नहीं मैं अगर सिंपल है तो नमक थोड़ा सा डालें और थोड़ी सी मिर्च डालें और exactly, ऐसे ही है, और ऐसे पानी डालें और उबाल के पी लें। ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए सबके सामने। हम खुद खाएंगे किसी को क्या पता। आज हम बना रहे पास्ता अल्फ्रेडो। मामा मिया पास्ता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। एक नए शो के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने और आज फिर किचन की एक नई रेसिपी लेके आए हैं। और ये रेसिपी है, एक मिनट। हाँ जी, ये क्या बना रहे हो आप? अभी उनको बता रहा था ना कि मैं रेसिपी बनाने लगा हूँ। मैं बना रही हूँ। व्यूअर्स अस्सलामुअलैकुम, और आपने मेरे बगैर ही शो स्टार्ट कर दिया। सॉरी, आगे यही बताएंगी, मुझे कुछ पता नहीं है क्या, मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा था। एनीवेज बताइए। नहीं, इट्स ओके। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, और आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बना रहे पास्ता अल्फ्रेडो। मामा मिया पास्ता। पास्ता बनने जा रहा है जी। आज हम बना रहे पास्ता, उसके लिए हमें चाहिए चिकन, चीज। अभी नहीं। अच्छा, हमें चाहिए चिकन, चीज, पास्ता। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सजा के रख दिए। शायद मैं एक चीज़ अगर मैंने मिस कर दिए तो वो मैं आपको बता दूंगी जब हम डाल रहे होंगे। और हम स्टेप बाय स्टेप जो है स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉईल के लिए रख देते हैं ताकि उसके बाद हम बातें करें और फिर हम आपसे साथ। अच्छा, पास्ता को पहले बॉईल करना होगा, ये नहीं कि वहीं पे जब बना रहे होंगे तो एक साथ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो है बॉईल तो करना है ना। अच्छा, बॉईल यूज करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करके और फिर इसे साइड में रख देंगे ताकि फिर हम सारी चीजें बाद में प्रिपेयर करें। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। बहुत सिंपल है, इतनी सारी चीजें इतना सिंपल कैसे हो सकता है? नहीं मैं अगर सिंपल है तो नमक थोड़ा सा डालें और थोड़ी सी मिर्च डालें और काली मिर्च और पानी डालें और उबाल के पी लें। नहीं मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमने पास्ता बॉईल करना है, उसके बाद हमने ये अपनी चिकन प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद हमने अपना वाइट सॉस प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। और आखिर में हमने ये सारी चीजें मिक्स करनी है और आपका पास्ता तैयार है। तैयार है जी, तैयार है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक, बिल्कुल। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करने। अच्छा, आपको अपनी प्लेस देता हूँ, आप अपनी जगह पे आ जाइए, मैं अपनी जगह पे जहाँ पे हूँ अच्छा लगता हूँ। वहाँ से आपका व्यू अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। और मेरा व्यू कहाँ से अच्छा है? यहीं से। आर यू श्योर? यस। ये आपकी? नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी, जब ये वीडियो एडिट होके तो फिर हम नेक्स्ट टाइम डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से व्यू किसका अच्छा है। हो सकता है कि मेरा व्यू यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। नहीं, ये हमेशा से यहीं पे खड़े, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में भी ये यहीं पे खड़े थे और मैं यहाँ पे था। सोचा क्यों नहीं, आज सोच ली। अभी मुझे माइंड में आया कि शायद मेरा ये वाला व्यू अच्छा। नहीं, आपका ये लोकेशन अच्छी है, इस पे आप अच्छी लगती है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं, है ना गाइस, मैं भी। चलिए हम देखेंगे। ओके, लेट्स ट्राई। सबसे पहले हम पास्ता लेते हैं। ठीक है, पास्ता को हम बॉईल करते हैं, तो आ जाइए हमारे साथ। जी, अब हमने पास्ता रख दिया है बॉईल के लिए। बिल्कुल। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं चिकन, उसके लिए हमें चाहिए नमक, पिंक सॉल्ट, हसबे जायका, ठीक है, गार्लिक पाउडर, गुड, ऑर्गेनो, यस, और ये है ब्लैक पेपर, और ये है मिक्स हर्ब, इसके अंदर रोजमरी, पार्सले, ऑर्गेनो, बेजिल, सब कुछ मिक्स है। ओके, ठीक है, तो बाकी ये सारी जो चीजें रखी हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये कब और कैसे यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? Thank you.
फ्राई करना है? हाँ जी, डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है, जैसे ये जो चीज़ होता है चीज लास्ट पे, ये हम सॉस जब बनाएंगे तब यूज करेंगे। अच्छा, ये सॉस के लिए? हाँ जी, ठीक है, लेट्स गो। ओके लेट्स गो। ओके, तो तैयार है, हमारे पास ये चिकन रखा हुआ है। उससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये हमारा हो गया थोड़ा सा ऑयल। इसे अच्छे से आपने ऐसे कर लिया है कि ये हर तरफ हो जाए। अब ये ऑयल थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे हमारा हो रहा है पास्ता बॉयल। जितनी देर में ये बॉयल हो रहा है इतनी देर में हम, ठीक है, ये हमने इसे कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए इसी के स्टीम के अंदर, क्योंकि हमने ऑयल इसके अंदर बहुत थोड़ा सा डाला है। ठीक है, आई थिंक 2 से 3 मिनट हम ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम इसे इसकी साइड चेंज करेंगे। ये कुक नहीं हुई है ठीक से, जी तो हमारा हो गया है पास्ता बॉयल, चिकन भी रेडी है, और अब हम बना रहे हैं फाइनल स्टेप, वाइट सॉस, बटर 2 or 2.5 tablespoon। इसमें डालेंगे हम चॉप गार्लिक तकरीबन 1 tablespoon। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट हसबे जायका, ब्लैक पेपर, उसके बाद हमने डालना है इसमें ओरिगैनो। आँच आप हल्की कर दीजिए क्योंकि ये बनेगी बहुत ही कम आँच में। अब हम डाल रहे हैं इसमें चेडर चीज़, अच्छा अब हम डाल रहे हैं इसमें क्रीम। हमने ली है ये एक तो थिक क्रीम भी आती है, आप वो भी ले सकते हो, और हमने लिए है स्पेशल कुकिंग क्रीम तकरीबन 1 कप। अभी हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, इसमें ताकि ये अच्छे से स्मूथ सा क्रीम बने तो हम इसमें व्हिस्कर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे आपने थोड़ी देर पकाना है। अब हम डालेंगे इसमें चीज़, मोज़रेला चीज़, पहले हमने डाला था चेडर चीज़। अब ये देखें जो सॉस है ये थिक हो गया, राइट। हमने लिया है तकरीबन 1 कप पानी, इसको हमने माइक्रोवेव में किया है गरम, और इसमें हम डाल रहे हैं क्यूब, और ये क्यूब हमने इसमें डिज़ोल्व करना है। ये हमने कर दिया इसमें मिक्स, और अब हम डालेंगे ये सॉस के अंदर, इसको फिर हम अच्छे से पकाएंगे कि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। हमारी सॉस ऑलमोस्ट तैयार है, ये देखें किस तरह से ये अब थिक हो गई है, बस हमें इसी उसमें चाहिए ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा फाइनल स्टेप। ऑल राइट, हियर यू गो। अब हमने कर दिया चूल्हा बंद, माशाल्लाह सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? ओके, मैं बताती हूँ आपको, पास्ता हमारा बॉइल्ड है, सॉस हमारी तैयार है, चिकन हमारी कुक्ड है, लेकिन हमने चिकन के करने हैं छोटे छोटे पीसेस। चिकन ऐसे नहीं खा सकते हम लोग, आप ऐसे खा लें, लेकिन हम पास्ता बना रहे हैं तो आप उसके साथ खाइएगा, जो बच्चे को मैं खा लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल, ठीक है, तो ये हमारे पास फिलेट्स हैं, ठीक है, टेस्ट ठीक है ना? ये असल में हमने टेस्ट नहीं किया ना ऑनेस्टली, तो अभी कुछ बढ़ाना है तो मुझे जायका नफासत का आला इंतजार है। मजे का, सच्ची बात है, ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए सबके सामने, हम खुद खाएंगे किसी को क्या पता। अच्छा, मैं हमेशा की तरह इस दफा भी बता रही हूँ कि हम लोग प्रोफेशनल शेफ नहीं है, और ये बस हम होम कुकिंग करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई फीडबैक है जिससे ये रेसिपी बेहतर हो सके या और अच्छी हो सके,
तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए ताकि हम उस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि ये बस वो है जो इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो मे बी कि आप किसी अलग तरीके से बनाते होंगे या कुछ और भी ऐड करते होंगे जो मुझे नहीं पता, तो ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ हमें बताइए। तो ये हमारा पास्ता है बॉयल्ड, इसमें हम डालेंगे ये सॉस। अच्छा, सॉस के बाद हमने डालने हैं मशरूम्स, स्प्रिंकल करने हैं। ओके। और इसके बाद हमने डालना है स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा गार्लिक, और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ही डालने हैं चिकन के पीसेस। इस तरह से मिक्स, ठीक है। यम 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 यम। अब हमने मजीद और जितनी भी हमारी सॉस बची हुई है वो भी हमने इसमें डाल दी, इसमें अच्छे से हमने कवर करनी है। इस पे थोड़ा सा हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, दोबारा से मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ अब बस भी करके भेजो, खाना भी है मुझे, बस ये हो गया। ठीक है ठीक है। और अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये परफेक्ट होगा, प्लीज़ खिलाइए मुझे। नहीं, पहले आप बताएं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन आ रही है, कि अच्छा होगा या बहुत मज़े का लग रहा है, यमी लग रहा है, बस मुझे जल्दी से खिला दीजिए। चलिए ट्राई करते हैं, आपको बताता हूँ कि है क्या चीज़। अच्छा, प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कोई कमी हो। हम दोनों के एक्सप्रेशन देखिएगा, मैं अभी इनको खिलाता हूँ, ये मुझे खिलाएंगे, ठीक है। ओके ओके, पहले आप। अरे मेरा बड़ा थोड़ा सा, पहले आप। ओके। इतना बड़ा। नंबर वन, सुपर डुपर, बहुत मज़े का, यकीन मानिए। वाकई में जो मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा मज़े का है। वन मोर बाइट। बस बस बस। इनके हाथ में वाकई जादू है। जो रेसिपी इन्होंने बताई है आपको, उस रेसिपी को आप ज़रूर जो है घर पे आजमाएं, और उम्मीद है कि आपके सारे घर वालों को इंशाल्लाह पसंद आएगा, क्योंकि बहुत मज़े की इसमें जो है वो चीज़ें भी जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, यूज़ किए हैं इसमें। और प्लीज़ तो, आप हमें लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इस रेसिपी में कुछ कमी पेशी है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें मैसेज कीजिए, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा ट्राई करेंगे आपकी रेसिपी से। और कोई रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं हमसे जो हम ट्राई करें, तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और जीतिएगा लाखों के 4 cash इनामात। मजाक कर रहा हूं मैं, तो ऐड पे आ गया, नोबडीज। तो गिव मी कैश। हाँ बिल्कुल, इनको मिलेंगे, इनका अवार्ड, इनको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अब ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके सामने हम एक नई रेसिपी लेके आएंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि बेसिकली हमने कोई गलती की है कहीं पे, तो वो आप हमें जो है ना उस पर हमें। और वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो पर इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।